मेजा प्रयागराज के मेजा थाना अंतर्गत ग्राम भुईपारा में प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में एक नील गाय पानी की तलाश में भटकता हुआ आया। जितेंद्र और गोपाल ने पहले उसे नहलाया, फिर रोटी खिलाया और पानी पिलाए। इस सेवा भाव को देखकर पशु भी इंसानों जैसा प्यार और व्यवहार करने लगा। एक तरफ मिर्जापुर, गैपुरा, विजयपुर, बोलीपुर नदी के पास कुछ अराजक तत्वों ने नील गाय का वध कर दिया था, दूसरी तरफ इस जंगली पशु के प्रति ये सेवा भाव देखने को मिल रहा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गिरीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सेवा कर रहे हैं इस नील गाय को, जबकि जंगली जानवर होते हैं, इससे समाज से सरोकार होता है, मगर कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो कि हत्या करते हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सेवा इस ढंग से। अगर आप जीव की सेवा करेंगे, जीव की वो करेंगे, हेरिटेज के रूप में धरोहर हैं, एक नीलगाय धरोहर होता है, मगर इस ढंग से जो है, एक तरफ अभी जो विंध्याचल के क्षेत्र में जो है गांव में अभी हत्या हुई है, हाँ, और दूसरी तरफ देख रहे हैं मेजा में किस ढंग से सेवा हो रहा है नहला नहला करके नील गाय की। ये बताइए आप जो है आपके अंदर ये भाव कैसे जगा सेवा की? जानवर है, इसको प्यास लगी थी, भटकता हुआ आया। हाँ, इसको हमारे गंगा जी के रेत में कुछ कुत्तों ने जो है, हाँ, इसको खदेड़ा था। हाँ हाँ, और ये बहुत दौड़ता हुआ आया और, हाँ, जो है हमारे उधर खेतों की तरफ जो है, हाँ, चला गया। वहाँ हमारे भाई साहब थे, हाँ, उन्होंने इसको पकड़ा, तब ये देखा कि एकदम प्यासा था, गिरा हुआ था, तो, हाँ, इसको पकड़ के यहाँ लाया गया, हाँ, फिर इसको पानी पिलाया गया। अब इसको पानी जब डाल रहे हैं हम लोग तो इसको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसकी सेवा भी हो जा रही है, इसको अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा। थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी रोटी वोटी खिलाया गया है, खाना वाना खिला के जो है अभी थोड़ा, और पानी वानी खिला दिया गया, देखिए कैसे चाट रहा है। बहुत प्यार है। देखिए जहाँ पे पशु भी, जहाँ पे सम्मान और उनको सेवा भाव मिलता है, वहीं पर इनको ये देखिए कितनी अनुकरणीय है जीव, देखिए कितना।